बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव नरेंद्रपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 45 किलोमीटर और ब्लॉक से 22 किलोमीटर है। इस गांव के प्रधान चंद्रपाल हैं। 2400 वोट वाले गांव की कमान अपने हाथों में संभाले हुए 4 वर्ष में इन्होंने कितने विकास कार्य यहाँ पर करवाए हैं और अभी भी गाँव किसकी समस्या से जूझ रहा है, आइए जानते हैं प्रधान की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक भगतपुर टांडा के नरेंद्रपुर गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे, तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 में आपका स्वागत है। यहां 4 साल आपके कार्यकाल को बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने करवाए हैं गांव में अब तक? मैंने गाँव से स्कूल और विद्यालयों में सब में काम करा चुका हूँ और अभी चल रहा है विद्यालयों का। जी, विद्यालयों का रास्ता पर चल रहा है। विद्यालय में दोनों जो है टैंकी बनती है जी, टैंकी लगा के फिटिंग करा रहा हूँ, वो मैं काम चल रहा है। शौचालय से ही गाँव जो है पूरे ऑडियो हो चुका है मेरा गाँव को। आवास मिले हैं यहाँ लोगों? आवास मिले हैं मेरे। पेंशन वगैरह मिल रही है? पेंशन चल रही है। यहाँ सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इनका लाभ मिला है सभी? लाभ है मेरे, कोई दिक्कत नहीं हुई। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड वगैरह सब बन चुके हैं सभी के? स्कूल पर क्या क्या कार्य आपने करवा दिए? मैंने बाउंड्री ऊंची करा के पोताई और उसका जो सा कहते हैं पोताई लेखन वगैरह सब जी, जी, जी। और इस टाइम उसमें वो फिट हो रहा है, टैंक वैंक वगैरह लगवाया है, शौचालय ना तो वो डलवा रखी है सबर से जी। प्रधान जी, काफ़ी यहाँ आपकी उम्र भी काफ़ी है, काफ़ी तजुर्बा आपको यहाँ होगा, किस तरह लोगों की समस्याएं अब से पहले आपके कार्यकाल से पहले रही हैं और आपने किस हद तक उनका समाधान अपने स्तर पर करवाया है? मेरे यहाँ सिस्टम तो लास्टों का ही बहुत बेहतर था, काम में कच्चा था, टोटल ही काम में कच्चा था। मैंने सबका उसका टेरेस वगैरह लगवा के नाली की बात आ गया, सब फिट करा दिया। आज मेरे गाँव में कहीं कार्य कर हमने जी, अब ये सड़कें सारी यहाँ पक्की हो चुकी हैं, पक्की हो चुकी है, एक रास्ता गया है, मैं उसे अब कराने जा रहा हूँ जी। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में से स्कूल के अलावा बारात घर है? नहीं, पंचायत घर है? नहीं, पंचायत घर मेरे भांपू के जहाँ लगता है जो क्षतिग्रस्त है, उसकी सूचना मैं सरकार को दे दूंगा जी। आंगनवाड़ी केंद्र है? आंगनवाड़ी केंद्र मेरे द्वारा निर्माण कराया गया है, मंदिर का द्वारा। अभी आपके कार्यकाल में? कार्यकाल में मुझसे पहला विकास बना हुआ बाल हो रखी है सबकी। हाँ, बाउंड्री मेरे संस्थान की नहीं है, आगे बना हुआ है। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? अस्पताल तो करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे है जी। तो आप चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में यहाँ कोई अस्पताल बनवाया जाए? अस्पताल होना जरूरी भी है जी। प्रधान जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि नरेंद्रपुर गांव जो है काफ़ी अभी अंदर जाकर है और आप गांव के बाहर में यहाँ बसे हुए हैं, तो हम मतलब ये जानना चाहती हूँ मैं कि किस तरह से आप लोगों की समस्या सुन पाते हैं, कैसे लोग आप तक अपनी समस्या लेकर आते हैं, क्या आप कोई बैठक या कोई मतलब सभा वगैरह आयोजित करते हैं उन लोगों की समस्या? कोई रात में कोई अंधेरे में जरूरत है तो वो लोग यहाँ जाते हैं और दिन में जब भी मुझे बुलाते हैं उसके बाद भी स्कूल में बैठ कर मैं महीने में 2 मीटिंग तो कर लेता हूँ। आप मीटिंग करते हैं लोगों के साथ? महीने में कर लेता हूँ बैठ कर। जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमने प्रधान जी से बातचीत की है, काफ़ी विकास यहाँ प्रधान द्वारा करवाया जा चुका है, जैसे कि सड़क निर्माण, सीसी कार्य, लोगों को आवास भी दिलवाए गए हैं, शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है। यहाँ पर हमने देखा है गांव की हालत काफ़ी विकसित है, काफ़ी सुधरा हुआ गाँव यहाँ लग रहा है, काफ़ी विकास करवाया गया है। यदि समस्याओं की तरफ यहाँ नज़र करें तो यहाँ की प्रमुख समस्या बारातघर और अस्पताल को लेकर है। प्रधान मांग करते हैं कि यहाँ पर अस्पताल होना चाहिए, बारातघर भी बनना चाहिए। पंचायत घर जो कि बहुत ही जर्जर हालत में है, क्षतिग्रस्त है, उसका भी नवनिर्माण के लिए प्रधान यहाँ मांग करते हैं। मैं भी उम्मीद करती हूँ मोदी सरकार से कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24 से।